चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने अभी नेबुला, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉयड्स, प्लैनेट्स, सन, सब कुछ तो देख लिए, बट हम उसी चीज़ को नहीं देखे हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी तो फिलहाल सबको ही है, बट जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, द अर्थ, अपना पृथ्वी, अपना भूमि, ठीक है, द अर्थ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। पहले जानते हैं उसका शेप एंड साइज कैसा है। पाइथागोरस के हिसाब से, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे और एक मैथमेटिशियन से, उनका ये कहना है कि अर्थ जो है ग्लोब का शेप का है, ठीक है। ग्लोब मतलब एक गोल चीज का, ठीक है। अर्थ जो है वो ग्लोब का शेप का है। बहुत बार ये भी कहा गया है कि अर्थ बहुत पहले क्या होता था, एक फ्लैट डिस्क था। मीन्स अगर आप देखें तो वो इस तरह का कुछ फ्लैट डिस्क था, ठीक है। देन सन Then the rising sun would have been seen at the all place in the same time. But बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अर्थ क्या है, एक इस तरह का डिस्क है। बट जब भी सूरज, अगर वो डिस्क होता तो जब भी सूरज चमकता तो हर जगह पे हम लोग को एक ही जगह ना सूरज दिखता दोस्तों, ठीक है। अमेरिका में अलग पॉइंट में, या तो इंडिया में भी देखो तो गुजरात में अलग पॉइंट में विजिबल है, और हम अपना त्रिपुरा, मिजोरम, उस साइड में अलग पॉइंट में विजिबल है। तो क्या इससे हम लोग सोच सकते हैं कि अर्थ डिस्क है? इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ डिस्क नहीं है। अर्थ अगर डिस्क डिस्क रहता, डिस्क मतलब एक प्लेट, थाली टाइप का समझ लीजिए, और उसमें सबको ऐसे ऐसे खड़े रहते तो हम लोग को सबको एक ही टाइप में सूरज दिखता। बट ये नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस है उनमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग को सन दिखता है। ईस्ट में जो लोग हैं उनको सन अर्लियर दिखता है, पहले दिखता है, ठीक है। जब भी एक सीप आता है जमीन से, जब भी एक सीप जमीन पे वो आता है, लैंड करता है, सीप मतलब लैंड के आसपास आता है, तो उसका पहले क्या होता है, उसका पहले टोपी दिखता है सीप का। ये आपका जहाज है ना दोस्तों, ये आपका जहाज है। जहाज जब भी दूर से आ रहा हो, मान लीजिए, तो पहले हमको इसका, इसमें मान लीजिए एक झंडा हो तो पहले हमको वो झंडा दिखेगा। सीप कुछ आ रहा है ना, तो पहले आप कभी समंदर के किनारे जाइएगा, कोई भी बीच में जाइए जहां पे कि सीप, और ये तो सिर्फ नहीं, अगर आपका बोटिंग भी वहां पे हो रहा है, आप वहां पे देख सकते हैं कि पहले हमको क्या होता है, पहले हमको ये ऊपर का चोटी दिखता है, देन धीरे 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 हमको ये बॉटम दिखेगा कि हाँ ये सिर्फ कुछ एक आ रहा है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अर्थ अगर फ्लैट होता तो पूरा सिर्फ हमको एक साथ दिखता, मगर वो पूरा दिखता नहीं है, ठीक है। जमीन ऊपर नीचे हो सकता है, बट पानी तो अपना सेम लेवल रहता है ना दोस्तों, उस वाटर का तो लेवल सेम है। तो हो सकता है आप कह सकते हैं कि जमीन में हम यहाँ खड़े हैं तो हमको वो सीप, हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो सीप हमको ऐसे दिख रहा है, बट आप अगर शोर में खड़े हैं तो पानी तो दोस्तों प्लेन लेवल में है, पानी अपना लेवल मेंटेन करता है हमेशा। तो जहाज जो अगर दूर से आता है तो उसका चोटी पहले क्यों दिखता है, उसका ये भी पहले क्यों नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं फाइनली। फाइनली बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पहले जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे जो जियोग्राफर थे, फिलोसोफर थे, उनका ये भी कहना था कि अर्थ फ्लैट है, और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आप अप्रोच करेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो फ्लैट है ना दोस्तों। बट ऐसा नहीं होता है। जब जब हमारे एस्ट्रोनॉमर लोग, जब हमारे फिलोसोफर लोग और ये हिस्टोरियंस, जब वो लोग निकले जहाज लेकर के, वो लोग वन पूरा अर्थ को वो लोग घूम करके चले आए, बट कोई ऐसा रीजन नहीं आया जहां पे कि उनको फ्लैट मिले और ये खत्म हो जाए। तो इससे ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलर शेप का है, ठीक है। इसीलिए तो जहाज जो है, इधर जो है जहाज, जहाज कोई इंसान ऐसे खड़ा है तो उसको पहले जहाज का चोटी दिखता है, फिर जब जहाज धीरे 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 नजदीक आता है तो उसका बॉटम भी उसको दिखता है, ठीक है। तो अर्थ इज रेयरली ऑरियंटेड इन द सेम पोजिशन ड्यूरिंग सक्सेसिव एक्लिप्सिस, बट हमेशा इसका शेडो सर्कुलर ही रहता है। तो ये कहा गया है कि अर्थ जो है वो, अर्थ क्या है ना दोस्तों, अर्थ अपने आप को एक्लिप्स होता है। मान लीजिए कि ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण में हम देखते हैं, ग्रहण में क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे अर्थ के बारे में। देखिए ग्रहण क्या है ना, ये सूरज है अपना, सूरज है, और मान लीजिए ये अपना मून है, ठीक है, ये अपना सन है, ये सॉरी ये अपना अर्थ है। तो इसमें क्या होता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है। तो ये जो चंद्र का जो लाइट, जो सूरज का जो लाइट है, वो मून क्या करता है, छेक देता है। छेक देने के बाद ये यहाँ पे शेडो कास्ट करता है, ये वाला रीजन पर ब्लैक रहता है, तो इसीलिए जो सूरज है वो अपने को दिखता नहीं है। तो ये है आपका लूनर, लूनर एक्लिप्स, ठीक है, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। अब
सोलर एक्लिप्स क्या है? तो अब सॉरी, ये था आपका सोलर एक्लिप्स, आपको सूरज नहीं दिखता है, सोलर एक्लिप्स है, तो वो मून बीच में चले आता है। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है दोस्तों? लूनर एक्लिप्स में ये है कि ये अपना मून है, ठीक है, और ये अपना अर्थ है। तो क्या होता है कि जब भी अर्थ बीच में आ जाता है मून के, तो मून का ये जो एरिया है, ये क्या होता है, ये छांव पड़ जाता है, तो मून हमको नहीं दिखता उस टाइम में, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, अगर मून पे छांव पड़ जाता है और वो शेडो हो जाता है और वो हमको नहीं दिखता है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी अगर देख रहे हैं चांद को, चांद पे जो शेडो है वो क्या रहता है, ब्लैक कलर का शेडो, ब्लैक कलर का। इसमें जो चांद का शेडो आएगा वो किसका परछाई आएगा, अर्थ का ही ना परछाई आएगा। तो अर्थ गोल होगा तभी जाके ये गोल शेडो देगा, ठीक है, अर्थ गोल होगा तभी जाके गोल शेडो होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ हमेशा गोल शेडो ही देता है, इसीलिए ये प्रूव करता है कि अर्थ स्फीयर स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर सॉलिड बॉडी है जो कि कास्ट करता है सर्कुलर शेडो। आपका जो परछाई अगर आप देखेंगे इंसान का, मान लीजिए ये आपका, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं इस तरह का, तो आपका अगर परछाई देखेंगे तो आपका परछाई उसी तरह का आएगा ना, आप इंसान का, आप खड़े रहेंगे, मीन्स एक इंसान यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे कुत्ता का परछाई थोड़ी आएगा दोस्तों, कुत्ता का हाथी का परछाई नहीं आएगा ना। इसी तरह से अगर कोई चीज गोल है तो उसका जो परछाई आएगा वो भी गोल आएगा, ठीक है। तो यही जो वो हमको कब पता चलता है प्रूफ, वो हम लोग को इक्लिप्स ग्रहण के टाइम पता चलता है। नॉर्थ पोल में पोल स्टार है जो कि 90 डिग्री से देखा जा सकता है स्काई में। तो पोल स्टार जो है वो नॉर्थ पोल में है एंड हमेशा वो 90 डिग्री में दिखता है। वो हमसे कितना दूर है और कितना जोर से चमक रहा है, आप सोचिए कि हमेशा दिखता है कि वो अपने ऊपर ही है। सिंस द स्टार लाइज इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ अर्थ, ये ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारा अर्थ का एक एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, और उसी के पैरेलल अगर कोई भी स्टार एक रहेगा तो आप वो मान लीजिए वो स्टार इतना दूर में है, ये अपना अर्थ है और इतना दूर में स्टार है, तो जब आप यहाँ खड़े रहे हैं, यहाँ खड़े रहे हैं, या फिर यहाँ खड़े रहे हैं, तो आपको हमेशा वो 90 डिग्री में ही दिखेगा, दिखेगा कि आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोल स्टार है एक्सिस के समान है। बट वही अगर स्टार इस डायरेक्शन में रहता तो ये वाला आदमी जो है, जो नॉर्थ पोल में जो आदमी है, वो लोग उसको 90 डिग्री में नहीं देख पाते, यही कहा गया है इसमें। जैसे हम लोग साउथ की ओर ट्रैवल करेंगे, पोल स्टार का एंगल जो है हल्का सा डिक्रीज होता है, और इक्वेटर में क्या होता है कि वो 0 डिग्री में आ जाता है पोल स्टार, ठीक है, इक्वेटर में 0 डिग्री में आ जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव दैट पाथ ऑफ ट्रैवल इज एन आर्क ऑफ सर्कल, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का जो अर्थ है वो सर्कल है, सर्कल है, इसीलिए जो पोल स्टार है वो यहाँ पे 0 डिग्री में आ जाता है। बट जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो एंगल थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसमें हमसे हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है, हमें थोड़ा ज्यादा एंगल में चले आए हैं इसका, तो मे बी इसका सर्कुलर आर्क रहेगा। सन मून एंड हेवनली बॉडीज जो है ये सबको स्फेरिकल दिखते हैं, अगर हम लोग अलग अलग पोजिशन से दिखे फिर भी। तो इसमें से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्थ भी सन मून और हेवनली बॉडीज जैसे है। जैसे मान लीजिए हमको मार्स दिखता है कभी कभार, हमको वीनस दिखता है, हम अगर टेलीस्कोप से देखें हमको मर्क्यूरी दिखेगा, हमको जुपिटर दिखता है। तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि सारे हेवनली बॉडीज जब गोल है तो अपना सन भी गोल है ना, अपना जो मून है वो भी गोल है, तो स्टार क्यों एक्सेप्शन रहेगा, वो भी उसी प्रकार का गोल रहेगा। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ गोल ही हो सकता है। और फोटो जब स्पेस से लिया जाता है, फोटो जब लिया जाता है अर्थ का स्पेस से, सेटेलाइट से, तो उसमें से पता चलता है कि अर्थ भी स्फीयर है, ठीक है। तो जाइए आज एक बार अच्छा से इमेज देखिए, नासा का इमेजेस बहुत सारे रहते हैं उसको देखिए, इसरो का इमेजेस देखिए अर्थ का, कि अर्थ किस तरह का दिख रहा है, तो आपको खुद पता चलेगा कि अर्थ स्फीयर है। तो ये ऑमलेट्स पीरियड है। ऑमलेट्स पीरियड मतलब क्या है दोस्तों? कि ना ऑमलेट टाइप का, ऑमलेट इसको याद रखिए, अंडा जो आप डालते हैं क्या वो पूरा गोल होता है? नहीं, वो ऊपर थोड़ा चिपटा रहता है और ये थोड़ा सा गोलगप्पा टाइप का, ठीक है ना, गोलगप्पा इसी तरह का गोलगप्पा रहता है ना, इसी में आप छेद करके फिर यहाँ पे आलू डाल लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह का रहता है, पूरा इस तरह का नहीं, बट इसको ऑबलेट स्फीयर कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो है इक्वेटर जो है ये थोड़ा सा बल्जी है, और पोल्स जो है ये है उसका नॉर्थ पोल, ठीक है, जो भी लास्ट कोण बनेंगे, एंड ये उसका साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा चिपटा हुआ है।
इसमें यही कहा गया है, रिफाइंड मेजरमेंट ऑफ अर्थ प्रूफ करते हैं कि टोटल जो अर्थ का शेप है वो स्फीयर की तरह है, बट वो कंप्रेस्ड है पोल्स में एंड इक्वेटर में वो बल्ज है। इसको कहा गया है ऑवलेट स्फेरॉइड। ठीक है, तो अर्थ के बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे जब उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये अर्थ का इक्वेटर है, ये उसका नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो अर्थ ऑबलेट है क्योंकि इसका जो इक्वेटर है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और कहीं ना कहीं उसका जो सरकमफ्रेंस रहेगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस मतलब आप एक बॉल लीजिए और बॉल का एक कोण से आप दौड़ दौड़ के जा करके फील्ड का, मान लीजिए फील्ड में है आप, और फील्ड का चारों ओर पर लास्ट लास्ट फील्ड का लास्ट साइज में पर चारों ओर, सेंटर में नहीं पूरा लास्ट में चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो आपका सरकमफ्रेंस हो गया। इजी डेफिनेशन में यही है अर्थ की, अगर आप चारों ओर घूमें इक्वेटर इक्वेटर में, ठीक है, सेंटर में, तो आपको इसका जो सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस है ये आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये आपको मोर मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप इसमें पोल्स में घूमेंगे इस तरह से तो आपको ये लेस मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा चिपटा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अर्थ में जिंदगी क्यों है और हम लोग यहाँ पे सर्वाइव क्यों कर सकते हैं? पहला तो चीज है कि इसमें बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये लोग क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। अपना जो सेल बना हुआ है ना, अगर जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे देखेंगे, अपना जो सेल बना हुआ है वो, उसमें भी हम लोग का कहीं ना कहीं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मिल करके ही बने हुए हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ का, पहला। अर्थ दूसरा क्या है, वो ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा हॉट है। मर्क्यूरी में आप रहने जाएंगे तो मर्क्यूरी में जहाँ पे कि आपका गैसेस नहीं रह सक पाते हैं, गैसेस आपका उड़ जाते हैं, वहां पे आप रह ही नहीं सकते हैं, वहां पे आप कैसे रहेंगे? तो अर्थ का टेम्परेचर सुइटेबल है, उसका राइट टेम्परेचर रेंज है सस्टेनेबल लाइफ और केमिकल रिएक्शंस के लिए। इस टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शंस अच्छे से हो पाते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है उसमें बहुत सारा पानी भी है, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, नदी, तालाब, समंदर जो है, ठीक है, हर जगह में, तो इसमें से क्या है आपको सर्वाइवल हो पाता है। अर्थ में ऑक्सीजन गैस है एटमोसफियर में जिससे कि हम सांस लेके जिंदा रह सकते हैं। प्लस इससे भी ज्यादा जरूरी और एक चीज है कि यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन लेयर है। ठीक है ना, अर्थ की चारों ओर एक ओजोन लेयर है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से वो बचा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अर्थ पे रह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं, मीन्स कुछ कुछ ऐसा डेटा जो कि हो सकता है कभी कभार पूछ ले अर्थ के बारे में। अर्थ जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो पहला क्या है दोस्तों, जुपिटर, पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का लास्ट कर लेंगे, देन आएंगे अर्थ के ऊपर, देन जाएंगे हम लोग वीनस को देखेंगे, देन मार्स को देखेंगे, देन मरक्यूरी जाएंगे। तो इसी प्रकार था, अगर आप पहला क्लास नहीं किया तो पहला क्लास को कर लीजिए एक बार, ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, एज अगर देखिए अर्थ का तो 4550 मिलियन ईयर से वो था, 4550 मिलियन ईयर से वो है, मिलियन ईयर्स है। मास अगर देखें तो 6 × 10⁻⁴ kg, मतलब 6 के बाद 24 जीरो लगाइए, उतना वेट है उसका। वॉल्यूम अगर देखें तो 1 × 10⁴ liters है। मीन डेंसिटी देखिए, डेंसिटी अगर हम देखें तो 5.518 एवरेज डेंसिटी ये कहा गया है। ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया देखिए तो इतना किलोमीटर है। तो ये सब जो रट्टा मारने का चीज है ये हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। डायमीटर देखते हैं, चलिए दोस्तों डायमीटर देखते हैं क्या क्या है। इक्वेटोरियल डायमीटर, तो डायमीटर इक्वेटोरियल डायमीटर मतलब ये अपना इक्वेटर है दोस्तों, ये पता है ये अपना नॉर्थ पोल है और ये अपना साउथ पोल है। तो अर्थ क्या करते हैं ना दोस्तों, अर्थ को डिवाइड कर देते हैं, अर्थ का जो एक हिस्सा है उसको, नॉर्थ पोल को हम काट के हटा देते हैं। काटने के बाद इसको जो है, ये जो चीज है इसको हम सीधा यहाँ पे लाके देखते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये चीज अगर उसको हम इक्वेटर से काट लिए तो ये चीज हमको इस तरह से दिखेगा। तो इसका जो भी डायमीटर है ये क्या है, इक्वेटर का डायमीटर है। मतलब जब आप डायमीटर, इस चीज का डायमीटर ले लेंगे उसको इक्वेटोरियल डायमीटर कहा जाएगा जब आप इक्वेटर से काटेंगे। उसी प्रकार जब आप पोल से काटेंगे, मान लीजिए पोल से इसको आधा भागा में से काट लेते हैं, तो ये जो डायमीटर है इसका जो डायमीटर आएगा, ठीक है ना, इसका जो डायमीटर आएगा, इसका डायमीटर को हम लोग पोलर डाया कहेंगे, पोलर डायमीटर। चलिए, तो इक्वेटोरियल डाया क्या है, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? इक्वेटोरियल डायमीटर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये ऑबलेट है, ऑबलेट मतलब ये इक्वेटर में बल्जी है एंड पोल्स में चपटा है, तो इक्वेटोरियल रेडियस दिया गया है। ठीक है, बट पोलर डायमीटर देखिए, ये 12756 किलोमीटर है, ये 12714 किलोमीटर है। तो हमें पोलर डाया से पता चलता है कि इसका जो डाया है पोल्स में वो कम है। ठीक है, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस अगर हम देखेंगे 40077 है,
पोलर सर्कुम्फ्रेंस देखिए वो कम रहेगा, 40009। हाईएस्ट लैंडिंग पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट लैंड है जमीन, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है। एंड लोएस्ट डेड पॉइंट क्या है? वो डेड सी में है, 397 मीटर है, ठीक है, वो है लोएस्ट लैंड पॉइंट। तो जहाँ पे कि जमीन है, तो 397 मीटर जो है वो जमीन का है एरिया, लोएस्ट लैंड है। एंड हाईएस्ट लैंड क्या है? 8848 मीटर है। तो ग्रेटेस्ट ओशन का डेप्थ अगर हम देखें तो मारियाना ट्रेंच है, जहाँ पे कि वो जो ओशन है ये आपका माउंटेन है हाईएस्ट, ठीक है, 8848, ठीक है। देन आप डेड सी में जा रहे हैं तो वहां पे आपका लास्ट लैंड मिल रहा है। देन अगर आप नीचे देखें तो ओशन का जो डेप्थ है यहाँ पे, ये मैरियाना ट्रेंच है मान लीजिए, तो यहाँ पे 11033 मीटर है आपका मैरियाना ट्रेंच का। मैक्सिमम डिस्टेंस सन में देखिए एपिलियन में तो 152 मिलियन किलोमीटर है, और अगर सन नजदीक होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो रहता है पेरिलियन में वो 147 मिलियन किलोमीटर रहता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये सन का पोजीशन हम लोग देखेंगे जब हम लोग अर्थ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट अपना 29.2% जो सोलर टोटल सरफेस है अर्थ का, वो कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, वो लैंड से है, ठीक है। तो अर्थ में अगर आप देखें तो ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट यहाँ पे हैं इस तरह के, तो इसका 29.2% क्या है? बस कॉन्टिनेंट है, जमीन है, और उसको छोड़ करके सारा समंदर है। इसीलिए 70.8% जो है समंदर है, इसीलिए हमको अपना अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है। टोटल वाटर एरिया जो है अर्थ का, उसमें ओशियन, लेक्स, रिवर्स, आइस शीट्स, ये सब में मिलजुल के, प्लस एटमोसफियर में मिलजुल के, ये क्या करता है? अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस ये कवर कर लेता है, ठीक है, टोटल वाटर कंटेंट। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वही दिया गया, ये भी अबाउट अबाउट 71% ही आएगा। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है अर्थ का? अर्थ में देखो सबसे ज्यादा हमको मिलता है आयरन, देन है दोस्तों ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम, एल्युमिनियम। क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है, थोड़ा सा आपको बस ये पता करना है, फर्स्ट का दो तीन कम से कम तीन चार याद कर लीजिए, ये याद करना, आयरन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है एंड निकल है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको और थोड़ा सा पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारा डेटा है इसमें, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज करिए। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट सेशन में।